आज हम सिखा रहे हैं आप लोगों को हेयर कट करना। देखिए, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है पार्टीशन की, ईयर टू ईयर पार्टीशन करना है, तो आप पहले ये बनाइएगा दोनों, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा हेयर कट किस तरीके से करते हैं और कैसे हेयर कट को करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जितना भी आप हेयर कट करेंगे ना, उससे पहले आपका पार्टीशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बहुत अच्छे से क्लीन करके पार्टीशन नहीं बनाएंगे, तो आपका जो हेयर कट है बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपका ये फर्स्ट स्टेप है मेरे हिसाब से, पहली बार करते हो पार्टीशन नहीं वाला। ओके, कैरी ऑन। यहाँ पर आप क्लचर भी लगा सकते हो, ये लो क्लचर पकड़ो, आपके पास है, कोई नहीं, मैं दे देता हूँ, ये लो। देखिए गाइस, अभी क्या है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो मेरे जो स्टूडेंट हैं इनको सिखाने के लिए देखो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप भी बिगनर्स हैं, आपको भी मैं सिखाना चाहता हूँ किस तरीके से आप हेयर कट कर सकते हैं और कितना पार्टीशन हमें करना है। ईयर टू ईयर पार्टीशन इन्होंने कर लिया है, आप देख ही रहे होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने ईयर टू ईयर पार्टीशन किया है। इस साइड भी आप देखिएगा, दोनों ने बहुत अच्छे से वर्क किया है, दोनों साइड पे ये पार्टीशन ने अच्छे से क्लीन किया है। अब जितना भी हेयरकट करना है आपको, दूर जाना था सर, अब जितना भी हेयरकट होगा हमारा इस लेंथ के ऊपर हेयरकट होगा। अब क्लाइंट आपको कितना चाहिए हेयरकट, ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं करना ना इनको, बहुत ज़्यादा हेयरकट शॉर्ट नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि इनके बालों में बाउंस नहीं है, कट शो नहीं कर रहा है ना, कट शो करेगा तभी अच्छा लगेगा ना। अब इनके हेयर में हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेयर कट, स्टेप विद लेयर कट करेंगे और बढ़िया इनके इसमें वो बाउंस देगा। और लेंथ जो है आप क्लाइंट के हिसाब से हमेशा पूछ के रखें उनको कितना लेंथ चाहिए शॉर्ट। अब मान लो इन्होंने, सपोज करोगे इन्होंने बोला कि मुझे इतना बाल छोटा करना है, इतना बाल अगर मान लो छोटा कर देंगे तो क्या होगा, इनका हेयर भी छोटा हो जाएगा और कट तो बाउंस मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि बाल अच्छा नहीं लगेगा, मतलब फेस का जो लुक है ना वो लुक नहीं आ पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आप हेयर कट कर रहे हो बैक से, आपको खाली सबसे पहले ट्रिमिंग करना है, हल्का सा जो एक्स्ट्रा बाल है आपका वो क्लाइंट से आप पूछ सकते हो अपने हिसाब से, आपको ज़्यादा करना है शॉर्ट करना है, क्लाइंट ने बोला कि भैया ज़्यादा काटना नहीं है थोड़ा सा काटना है, तो आपको बस इतना सा ही ट्रिमिंग करना है। ठीक है, हमारा पार्टीशन हो चुका है, बैक से हमने क्या करना है, बैक वाला हमें पीछे लूज छोड़ देना है, पूरा नैप एरिया भी पूरा लूज रहेगा। ईयर टू ईयर पार्टीशन हमारा हो चुका है, अभी हम एप्रन लगाएंगे, एप्रन निकालो अपना, रेड वाला इधर से निकालो, ये तो गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो में बने रहिएगा। इस वाले क्लस्टर को कैसे कर लेते हैं ना, दोनों साइड से क्लियर हो रहा है। तो देखिए, पहले हम क्या कर रहे हैं, बैक से हम क्या करेंगे, हल्का सा ट्रिम करेंगे, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट कट। स्ट्रेट कट आपको हमेशा करना है, आपको यू कट, वी शेप, यू शेप, मतलब जो भी आपको शेप चाहिए वो बाद में करेंगे लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन लेंथ कट करेंगे, इसको वन लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, वन लेंथ हम किस तरीके से करेंगे, कई सारे तरीके हैं। कई लोग क्या करते हैं, सीधा बाल नीचे किया और सीजर लिया उठा के काट दिया, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है करने का। आप क्या करेंगे वन लेंथ के लिए, हम गाइडलाइन बनाएंगे। ठीक है, बैक से बिल्कुल मिडल से हम अपना पार्टीशन लेंगे, इधर वाला इधर छोड़ देंगे, इस वाला साइड था इस साइड छोड़ देंगे। ठीक है, अभी सेंटर में हमें काम करना है, सेंटर जो लेंथ है हमारी इस पर हमें काम करना है। आप बिल्कुल टाइट रखिएगा, क्लाइंट को बोलो होल्ड रखें, जब तक उनका स्कैल्प होल्ड नहीं होगा ना तो बाल आपका सही से नहीं कट पाएगा। अब मान लो उन्होंने लूज कर दिया तो बाल क्या होगा, छोटा बड़ा कटेगा। हमेशा ध्यान रखिए क्लाइंट का एकदम स्कैल्प जो है होल्ड होना चाहिए, और नीचे जब आप इसमें हेयर कट करेंगे पूरा अच्छे से आपको स्ट्रेचिंग करना है, बहुत बढ़िया तरीके से, देखिए बिल्कुल आसान तरीके से दिखा रहा हूँ, और बिल्कुल अच्छे से आपको नीचे की तरफ लेके जाना है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्लाइंट का स्कैल्प जो है सही नहीं है, हेड इधर उधर जा रहा है, तो आप हल्का सा अपने हिसाब से ऐसे टर्न करा दें। और फिर आपको करना क्या है, बस जितना भी आपको लेंथ काटना है कोशिश करेंगे आप इतना सा निकालें थोड़ा सा ही, और उसको सीधा कट कर दें। ठीक है, ये आपका गाइडलाइन तैयार हो गया, अब सारा वर्क ये जो बाल कटेगा इसके हिसाब से कटेगा। फिर से इसकी साइड से ही आपको दूसरा गाइडलाइन बनाना है,
इसको छोड़ देना है। इसमें क्या करना है, आप दोनों मिक्स हो गए, मर्ज हो गए, फिर से इनका थोड़ा सा नेक हल्का डाउन करना है, ऐसे टाइट रखना, फिर आपको अच्छे से स्ट्रेचिंग करना है, खींचना है। और देखो बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ भी नहीं है, गाइडलाइन हमें मिल गया, इसके साथ मिक्स कर देना है, बस कट कर देना है इसको यहाँ पे। ये देखो बहुत आसान है कट करना, ऐसा नहीं है, दो से तीन सेक्शन में कट हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें आपको खुद अपने आप से ही दिख रहा होगा ना नीचे से, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट, हमारा गाइडलाइन मिल गया एक बार। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा हेयर लेके इधर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा हेयर एक साथ नहीं काटना, पता क्या कि फिंगर्स भी नहीं आ पाता, क्योंकि फिंगर्स 3 इंच के आसपास ही रहता है। और हमेशा ध्यान रखें सीधा नीचे की तरफ लेके जाएं। ये देखो आए आराम से, गाइडलाइन मिला है ना, कहीं नहीं भाग रहा, गाइडलाइन हमेशा मिलेगा आपको ना। गाइडलाइन का मतलब ये है कि एक रास्ता, सीधे रास्ते पे जा रहे हैं तो गाइडलाइन ही है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा तो बाल भी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, सीधी सी बात है। सेंटर कट हमारा हो गया था, ये कंप्लीट हो गया, इसको छोड़ देंगे आगे। अभी हम आएंगे दूसरे पार्टीशन की ओर, जो इसी साइड है बैक में, इसमें भी आपको दो पार्टीशन करना है, ठीक है। ये मत सोचना कि जल्दी के चक्कर में एक साथ ही काटने पूरा, उससे क्या कि आपका कट नीट एंड क्लीन नहीं होगा, थोड़ा आप टाइट रखो, रोके रखोगे। देखो फिर से आपको स्ट्रेचिंग करते जाना है बड़े आराम से। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब आप हेयर कट कर रहे हो ना, खींच के ला रहे हो बाल नीचे, आपको क्या ख्याल रखना है, ये हमारा जो अंगूठा होता है, फिंगर होता है हमारा, ये थंब होता है, ये होता है हमारा लॉक, ये करता है फिंगर्स को लॉक, क्योंकि इसमें गैप होता है बीच में ना, ये बाल निकलेगा ऊपर नीचे जाएगा, इसको हमेशा जब नीचे लाएंगे तो लॉक कर दिया, देखो लॉक कर दिया ना, निकल नहीं रहा बाल आपका। तो ये सबसे मेन चीज है, ये छोटी छोटी चीजें समझना जरूरी है। ये देखो कट हो गया, अभी भी कितना स्ट्रांग है, नहीं निकल रहा है क्योंकि हमने लॉक कर दिया, लॉक करना बहुत जरूरी है। इसमें शुरू में क्या होगा, पेन होगा, जब शुरू में आप पकड़ बनाएंगे ना हाथ की, पेन होगा, धीरे धीरे आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखो हमेशा जब भी स्ट्रेट कट कर रहे हैं तो ये नहीं कि भाई बाल आपने उठाया यहाँ से, क्योंकि आपको आसानी लगेगी इस साइड से काटने में ना, आसान लगेगा यहाँ काट देंगे, तो ये गलती नहीं करनी आपको, यहाँ काटेंगे तो यू शेप में चला जाएगा, सीधा हमेशा इसी लेवल में काटना है स्ट्रेट करके, हाँ इसी लेवल में रखना है नेक, जो हमारा नेक का एरिया होता है ना, देखो हमेशा ध्यान रखो नेक की जो पोजीशन है, ये इस पोजीशन के हिसाब से आपको कट सीधे रखना है, ना कि इधर ना इधर, ठीक है, ध्यान रखना सीधा। इसको तो हमें छोड़ना ही है, बस जो छोटा सेक्शन है ना वही लेके जाना है साथ में। और बिल्कुल देखो कॉम देख लो आप कैसे चल रहा है, बिल्कुल कॉम को ऐसा लाना है, नीचे की तरफ खींचना है, ठीक है, बाल आपका खुल गया, टैंगल फ्री हो गया, टैंगल फ्री करने के बाद में आपको ऐसे करना है और ऐसे खींचना है। देखो ये पकड़ भी आपकी बहुत अच्छी होनी जरूरी है, देखो यहाँ आने के बाद ना फिर लॉक कर दो, आप लॉक करना जरूरी है। अब क्या है कि हाथ से ज़्यादा छोटा हो रखा है बाल, ये बीच में बढ़ाया, तो ये क्या है कि हम ये नहीं कर सकते कि उसको ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे, तो उसको यहीं से ही मिक्स कर देंगे, बस मर्ज कर देंगे, इसी का भी ख्याल रखना है आपको ना, क्योंकि अगर इसको इसके हिसाब से काटने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा बीच में शॉर्ट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा कट करना पड़ेगा। ये हमारा सिंगल वन लेंथ कट हो चुका है, तो गाइज आप देख रहे हैं ये हमारा वन लेंथ हेयर कट हो चुका है, अभी हम इसके ऊपर आपको पूरा हेयर कट करके दिखाएंगे, ठीक है। हमारे स्टूडेंट भी हमारे साथ है, तो मेरा बाल क्या है कि थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा अभी ड्राई हो गया है, इसको अभी फिर से क्या करेंगे, हल्का सा इसको वेट कर लेंगे, गीला कर लेंगे। जैसे ही गाइज ने बता रहा था आपको, हमारा बाल कहीं से ड्राई हो रहा है और कहीं से गीला हो रहा है, तो ये कट करते हुए आपको ख्याल रखना है हमेशा, मतलब पूरा अच्छे से वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए बाल ना सही तरीके से। फिर से इसको दोबारा हम थोड़ा स्प्रे कर लेंगे इसमें, इससे पहले हम शैम्पू कर चुके हैं, शैम्पू करके ही आपको हेयर कट करना है, अगर ऑयल वगैरह लगा हुआ है, और नहीं लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट भी हेयर कट कर सकते हैं अपने क्लाइंट का, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला कॉम दो मुझे, अब ये सबसे मेन चीज है, अभी जो हम हेयर कट कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, आप दोनों वीडियो बड़ा ध्यान से देखना, और आप भी जितने बिगिनर्स हैं आप भी बिल्कुल अच्छे ध्यान से देखिएगा। अभी क्या है कि जितना भी इसमें हम लेयर डालेंगे, स्टेप विद लेयर करने वाले हैं, उसको बहुत अच्छे ध्यान से देखना है, लेंथ इनकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो और हेयर कट भी अच्छे से हो जाए, आप बिल्कुल टाइट रखना। हमेशा से स्टार्टिंग से ही आपको क्या करना है, सेंटर से हेयर कट लेके चलना है, चाहे तो आप वन लेंथ कर रहे हो, यू शेप कर रहे हो, चाहे पूरा हेयर कट कर रहे हो, ये बड़ा आसान तरीका होता है करने का ना, इसमें मतलब कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती, आप हमेशा से बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर से हमारा गाइडलाइन बनाएंगे, इसको इधर कर देंगे, इस वाले इसको,
और इस साइड से इस साइड कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा गाइडलाइन देखो रेडी है। अब इसमें कट का कैसे पता लगेगा आपको कि हम कट किस तरीके से कर रहे हैं? अब देखो इसमें पता कैसे लगेगा आपको कि हमें इसी गाइडलाइन के ऊपर हेयर कट करना है, ये सबसे मेन है। ये आपको बस अपने दिमाग में बिठा लेना है। जिस दिन आपने दिमाग में बिठा लिया, समझ लो आप हेयर कट करना सीख गए। जरूरी नहीं कि आपको 6 महीने लगेंगे, हो सकता है कि आपके अंदर अगर करने का लगन है, आप चाहते हो कि हाँ मुझे हेयर आर्टिस्ट बनना है, अच्छा बढ़िया हेयर कट करना है, तो ये बहुत आसान तरीका है। आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप बिल्कुल टाइट रखना, आपको क्लाइंट को हमेशा बोलना है कि आप टाइट रखें, होल्ड रखें एकदम रोक के, क्योंकि अगर ये होल्ड नहीं रखेंगे ना तो क्या होगा, बाल खींचेगा, टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। इसका ध्यान रखना जरूरी है हमेशा ना। क्लाइंट को आपको हमेशा बोलना है कि आप बिल्कुल टाइट करके रखें। तो ये देखो ये आपको 90 डिग्री पर लेके आना है। गाइडलाइन क्या है, जो नीचे हमने पहले कट कर लिया था, ये बाल हमारा छूट जाएगा, छूट गया है, इसको नहीं काटना है। अब इसके ऊपर जितना एक्स्ट्रा बाल है ये कट होगा, यही हमारा लेयर विथ स्टेप बनेगा। अब इसको क्या करना है, आपको लेवल के हिसाब से कट कर देना है, बस इसी गाइडलाइन के हिसाब से चलते जाएंगे, हो गया है। अब नीचे वाले बाल को इसमें मिक्स नहीं करना, चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि छूट गया आपका, कर देना कट चुका है पहले ना, शॉर्ट हो चुका है। और इसमें 3 या 4 स्टेप्स में ये कट हो जाता है, 3 में कर लो 4 में कर लो 5वें में कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए मैं आसान दिखा रहा हूँ कि आसानी हो जाए, ठीक है। पहला हमारा कट चुका है 90 डिग्री। अभी हम देखे जाएंगे बिल्कुल ऊपर स्टेज करके खींचेंगे पूरा अच्छे से। ये हमने खींचा बहुत अच्छे से, हमने स्ट्रेचिंग की है। एक मिनट दिखा लेना दूर से हमने कितना स्ट्रेचिंग किया है। इसमें भी आप देख रहे हो एक बार गाइडलाइन बन गया, बिल्कुल टाइट है, होल्ड है। और दो तरीके से होल्ड है इसमें ना, एक देखो ये दोनों फिंगर का होल्ड है। अभी थंब नहीं लगाया इसमें, थंब लगेगा बाद में। थंब कब लगेगा, हम नीचे लाके इसको कट करेंगे। गाइडलाइन हमारे पास है, बस इसको मर्ज करते आना है आपको, बहुत आसान है। और हमेशा ध्यान रखें जब भी सीधे चला रहे हैं तो यहाँ ना लगे, ये एकदम से कट जाता है, हमेशा यहाँ रखें बस। अब ये कट आपका हो गया, अब इसको क्या करो, यहीं पे ये उठा लो। अब 85 डिग्री पे लेके जाना है आपको सीधा। अब ये सीधा आपको क्या करना है, 85 डिग्री पे लेके जाना है। देखो बिल्कुल कॉम को बड़ा अच्छे से चलाना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूरा आपके अंदर काम करने का। देखो जितना अच्छा कॉम चलाओगे इतना फ्री हो जाएगा बाल, फ्री जितना अच्छा होगा इतना बढ़िया है आपके लिए। अब इसको 85 डिग्री पे लेके जाएंगे और ऐसे बिल्कुल एकदम स्ट्रेच करना है आपको अच्छे से, क्योंकि जितनी अच्छी स्ट्रेचिंग करोगे ना इतना अच्छा रिकट होगा आपका ना। ये देखो पकड़ भी बहुत बढ़िया है, जबरदस्त तरीके से। अब इसको नीचे लाके यहाँ डाउन करेंगे, यहाँ लाके कट कर देंगे। कितना सा कटा, छोटा सा कटा, लेकिन ये क्या है कि जब ये पूरा हेयर कट हो जाएगा तो इसमें बाउंस मिलेगा। और लेयर्स देख रहे हो, ये आने स्टार्ट हो गए। अगर इसी को हम एडवांस कट करना चाहेंगे, मान लो ये लेयर हमें यहाँ चाहिए, तो इसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर से हमें फ्रंट वाला 90 डिग्री करना पड़ेगा, यहाँ लाके कट करना पड़ेगा। हमने पहले ही बोला कि इनका बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, मीडियम हेयर कट देंगे और अच्छा लुक देंगे, ठीक है। ये हमारा कट हो गया कंप्लीट, ये वाला गाइडलाइन। अब इसके हिसाब से हमें पूरा कट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब चाहे तो इधर से काट लो, चाहे इधर से कट कर लो, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो, दोनों साइड से आपको जहाँ से बेटर लगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस साइड से कंप्लीट कर रहा हूँ। और गाइडलाइन हमने ले लिया, आधा बाल इधर ले लिया, आधा इधर ले लिया, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमेशा, सीधा ध्यान रखें, थोड़ा ऐसे करना। और देखो सेम ये चीज़ है, जैसे हमने पार्टीशन निकाला ना, सेम पार्टीशन सब में ऐसे ही करना है। गाइडलाइन आपको आराम से मिलेगी, इजीली मिलेगी। फिर से हम क्या करेंगे, 80 डिग्री पे जाएंगे। आप टाइट रखो थोड़ा खींच पे। कई बार होता है कि भाई ये वाली गाइडलाइन नहीं मिल पाती, लेकिन अभी इसमें दिख रही है, शॉक कर रही है नीचे से ना अंदर से, और नीचे वाला बाल अपने आप से छूट जाता है जो पहले हमने कट किया था ना। बिल्कुल आसान तरीका है काटने का, ठीक है। ये हमारा 3 स्टेप में हुआ है, फर्स्ट किया हमने, ठीक है, 0 भी किया, फिर हम ऊपर लाए, अभी लाए हम लास्ट में ऊपर 90 लाए है, उसके बाद में 90 के बाद में लाए हम 85 यहाँ ऊपर आएगा, ठीक है।
एक बार में भी कर सकते हो वैसे कटना है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी ना सीखने में, पता लग जाएगा किस तरीके से कर रहे हैं, आसान होना जरूरी है। गाइडलाइन दिख रही है, दिखे ना, बस यही आपका गाइडलाइन है। अब वो बाल छोटा निकल रहा है चाहे बड़ा निकल रहा है, गाइडलाइन के हिसाब से कट करते हैं ना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कट आपका एकदम बढ़िया होगा, इजी तरीके से आपका हेयर कट कर पाओगे। फिर से मैं 85 के पास ले जाऊंगा एक बार और स्ट्रेचिंग करके, जिससे कि जो अगर छोटा बड़ा बाल अंदर छिपा हुआ है ना वो निकल जाएगा, टैंगल फ्री होकर ना सीधा कट जाएगा, एकदम स्ट्रेट होकर ना, एकदम हल्का सा निकल गया ना हमारी, बस ये फिनिशिंग आपकी हाथ पास फिनिशिंग भी करते जाओ, दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी आगे देखोगे तो इसमें देखो कट दिखना स्टार्ट हो गया यहाँ से पूरा, तो ठीक है हमारा ये कट हो चुका है इधर का, दो सेक्शन में हमने क्लीन कर दिया। थर्ड जो सेक्शन है आपका, दो तरीका है करने का, एक तो आप क्या करोगे इस साइड से लेके जा सकते हो पूरा पूरा जैसे हमने कट किया स्ट्रेट भी इस साइड से, अभी इसको अगर इस साइड से काटोगे तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से ना, इसमें आपको गाइडलाइन अच्छी मिलेगी और आपका जो कट है बेटर रहेगा ना, उधर जाओ साइड से। इसको क्या करेंगे हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है ज़्यादा बेटर है। चलो चलते हैं फिर 0 डिग्री की ओर, ठीक है हल्का सा गाइडलाइन, गाइडलाइन सब जगह मिलेगा आपको, ये रहा ये रहा ये, वहाँ भी है ही, वो तो पहले कट रखा है ना, तो यहाँ पे भी है अंदर भी है, बस इसको मर्ज कर देंगे, कुछ नहीं करना आपको ना, मर्ज करना है खाली। फिर से स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, 80 डिग्री लाना जरूरी है, तभी आपका कट क्या है कि बढ़िया होता है एकदम, तो गाइडलाइन फिर से मिल गया हमें आराम से इजीली तरीके से, और फिर कट कर दो बस। ये क्या है भाई, देखो थोड़ा सा आसान तरीका है करने का ना, और आप बिगिनर्स भी देख ही रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम काम कर रहे हैं इतने टाइम से, कोशिश करते हैं कि आप सभी को सिखाते हैं, सिखाएं अच्छे से, मेन बात यही है बस। और देखो 85 डिग्री फिर आना लास्ट में, फिर अच्छे से आपको स्ट्रेचिंग करना है, बहुत अच्छे से खींचना है, जितना बढ़िया स्ट्रेचिंग करोगे ना उतना अच्छा हेयर कट होगा आपका। गाइडलाइन दो तरीके से मिलती है, इस साइड मिलेगी इस साइड मिलेगी, तो हमें यहाँ कहाँ यहाँ मिली, और नीचे शायद बहुत छोटा सा बाल एक दो दिख रहा होगा ना, एक आधा ही हेयर दिख रहा छोटा सा ना, ये मेन ये इसके हिसाब से कर देते हैं, ठीक है और यहीं पे लागे आप कट कर दो। ये क्या हुआ हमारा इस साइड का कट हो गया कम्प्लीट। अब सेम जो आपने इस साइड किया, और हमेशा एक चीज़ का और ख्याल रखें, जैसे कि इनका कट हेयर है आपका, ये हेयर कट हो चुका ना, इसमें कोशिश क्या करो आप करते टाइम बाल को ऐसे ट्विस्ट कर दो, क्योंकि जब नेचुरली आप खाली फिंगर को ऑन करोगे ना तो आपका हेयर कट थोड़ा सा शो करना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी हम काट चुके हैं। इस साइड क्या था, हमने जो पार्टीशन लिया था स्टार्टिंग में दो साइड में डिवाइड किया था, दोनों साइड में हमने बीच वाला कट किया था, ये दोनों हमने बनाई थी गाइडलाइन, ठीक है गाइडलाइन हमारी बन गई थी, साइड का हमारा कट कंप्लीट हो गया, ठीक है अब इसको भी ट्विस्ट करके छोड़ देंगे ऐसे ही सेम, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है इधर का ना अच्छे से। अब ये सेम यही टेक्निक हमें इसमें यूज़ करना है, हमने टेक्निक चेंज नहीं करना, क्योंकि गाइडलाइन हमें इसमें मिला हुआ है हमारा ना, गाइडलाइन हमारा इसके साथ है, हमने पहले से दो पार्टीशन कर लिया था। हम आता हूँ साइड, गाइडलाइन हमारा इसमें था तो हम इसके हिसाब से लेंगे, दोनों तरीके हैं, उस साइड से भी आप कर सकते थे जैसे मैं कर रहा था, इस साइड से क्या कि आपको और बेटर दिखेगा। सेम टेक्निक यूज करनी जो पहले हमने उसमें यूज किया है, देखो सीधा ऐसे छोड़ा हमने हेज को, ऐसे आपको फिंगर सीजर की तरह लेके जानी है अंदर और नीचे डाउन कर देना आप इसको 0 डिग्री पे। ये देखो हमारा गाइडलाइन मिल गया नीचे और ये छूट जाएगा, ये छोटा है कट करना भाई, कोई ऐसा काम नहीं कि आदमी सोचता है कि यार कैसे करेंगे हेयर कट कितना मुश्किल है, बस सीखने की बात है, आप जितने अच्छे डीपली तरीके से देखोगे ना, क्योंकि जब तक अपने माइंड नहीं यूज़ करोगे अपने दिमाग से काम नहीं करोगे कैसे पता लगेगा, और लेकिन देखना जरूरी है, पहले आप देखो किस तरीके से हम कर रहे हैं। यह है यहाँ लेके फिर से गाइडलाइन हमारा देखो मिल गया है ना, दोनों तरफ लास्ट पे भी है और यहाँ पे भी,
और गाइडलाइन के हिसाब से मिक्स कर देना, आपको कट कर देना है बस। अब चलते हैं हम 85 डिग्री पे फिर से दोबारा। देखो दो से तीन स्टेप्स में हो रहा है, तीन स्टेप में हो जाता है आराम से ना, ज़्यादा इजी। अभी एक हमारे जो यूट्यूब में बिगनर्स हैं उनके लिए अभी और वीडियो बनाएंगे, एक बार में कट कैसे कर सकते हो एक एक लेयर से ही, मतलब एक ही गाइडलाइन बनानी है आपको और पूरा हेयर कट हो जाएगा, वो भी आपको सिखाएंगे आने वाले टाइम में। देखो फिर से आपको गाइडलाइन बनानी है, बन गई गाइडलाइन, और उसके बाद में इसमें जो मिक्स हो रखा है स्ट्रेचिंग करनी है बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ। 85 डिग्री चले गए, गाइडलाइन ऊपर है ना हमारी, अब इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है आ गया पूरा का पूरा, और यहाँ लाके इसको कट कर देंगे। दोबारा अगर चाहो तो फिनिशिंग ही कहीं कर सकते हो, अगर आपका मन कर रहा है करने का, उससे पता लग जाएगा कि थोड़ा बाल भी खुल गया रहेगा बाहर ना। ठीक है, इसमें क्या था कि गाइडलाइन के हिसाब से तो हमने कट किया है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कि थोड़ा सा माइंड अपने भी यूज़ करना है आपको ना, हल्का सा एक्स्ट्रा है, मैंने क्योंकि स्ट्रेचिंग किया पता लगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि उधर से हमने क्या किया बाल थोड़े ज़्यादा ले लिए, तो गाइडलाइन क्या हुआ नीचे नीचे दिख रहा है ऊपर दिख रहा था, तो एक गाइडलाइन हमारी और तैयार हो जाएगी कटने के बाद में, क्योंकि सब में हमारा चेयर के पास यहाँ लास्ट में हेयर सारा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात होगा ना। देखो कट करते जाओ बस, और हमेशा जिसमें भी कट कर रहे हो आप तभी इसमें से एक बाल को पार्टीशन कर दो, ये अपना गाइडलाइन तैयार कर लो बस, इधर छोड़ दो तुरंत हाथों हाथ, ट्विस्ट करते जाओ बस इसको हाथों हाथ, ज्यादा बेटर है। देखो सेम साइड भी ऐसे ही रहेगा भाई, क्लाइंट तो आपके पास बैठा है, क्लाइंट को नहीं पता, क्लाइंट को भी पता है कि हेयर कट कर रहा है, इन चीज़ का आपको ख्याल रखना है, मतलब इनकी नेक बिल्कुल डाउन थी, एक मिनट करना थोड़ा सा ऐसे डाउन था, इसका आपको ख्याल रखना है, कई लोग क्या करते हैं ऐसे ही बाल काट देंगे, ऐसे नीचे झुक जाएंगे पूरा, ऐसे ही काट देंगे, इसका आपको ध्यान रखना है, आप अपनी पोजीशन से बिल्कुल ठीक रखो कट करने की। फिर से वो स्टेप से जो स्टार्टिंग से बताते रहा हूँ, जीरो पे जाना है आपको, गाइडलाइन मिल जाएगी, देखो यहाँ अंदर भी छोटा सा बाल दिख रहा है, और ये तो है क्या जो नीचे वाला छूट गया हमारा, ये हमारा है गाइडलाइन, और यहाँ पे बिल्कुल इसको कट कर देंगे बस, ये ख्याल रखना आपको। और देखो डिग्रियों की बात तो ऐसी है, डिग्री आप अपने हिसाब से जितनी मर्जी बना लो आप, दो से तीन चार स्टेप्स में बाल कट जाते हैं, लोग कहते हैं ये डिग्री बना दी वो बना दी, मैं बहुत सिंपल तरीके से काम से करने की कोशिश करता हूँ, जिसे समझ में आए, डिग्रियों के चक्कर में इंसान उलझ जाता है। 85 डिग्री लिया आपने फिर से दोबारा, देखो गाइडलाइन दिख रहा ना पूरा सही से, बस आपका गाइडलाइन मिक्स नहीं होना, मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए और ना मिस होना चाहिए, और कट कर दो बस। कट करना तो आसान है, इसका काम है सिर्फ बाल काट, मैं नहीं आपके हाथ, इससे कौन से एंगल में आपको बाल उठाना है, आपकी पकड़ कितनी बढ़िया है हाथों की, मेन ये चीज है बस। सीजर का काम है सिर्फ खाली बाल काटना, बाल क्या कपड़े भी काट दो, सब सब चीज काटेगा ये, कट कर दिया, ये हमारा कट हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो भाई YouTube फैमिली देखो, वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन ये भी आज मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे स्टाफ भी है, इनकी क्लास हमने अभी स्टार्ट की है, ये देख रहे हैं तो आप भी देखो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से आप हेयर कट करना सीख जाएंगे, लेकिन क्लाइंट हमारी भी सो रही बैठी है तो फाइनली अभी हमारा बैक से कट हो चुका है कंप्लीट, अभी हम आ रहे हैं फ्रंट पर, ठीक है फ्रंट का हम करेंगे हेयर कट, ये बहुत आसान तरीके से बताऊंगा आपको, एक बार में आप करना सीख जाएंगे, ज़्यादा टाइम तो आपको लगेगा नहीं, नाच कट कर दो वीडियो में। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा हमने रोक दिया था, देखिए अभी हमने क्या किया है, आगे से भी हमने वेट कर लिया है, गीला कर लिया फ्रंट वाले पे, क्योंकि आज वीडियो बड़े धीमे धीमे तरीके से आपको मैं हेयर कट करना सिखा रहा हूँ, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी जो हमारा ये फ्रंट का हेयर कट है, ये सबसे ज़्यादा मायने करता है क्लाइंट के लिए, मतलब क्लाइंट का बाल अगर मान लो आप पूछोगे, कई लोग कहते हैं फ्रिंजेस चाहिए, कई कहते हैं कितने चाहिए, आपका कितना रखें चिंता कर दें चलेगा ना, देखो चिन का मतलब होता है चिंता, अगर आपने बाल कट किया तो सारा बाल इसके हिसाब से कटेगा आपका ना, गाइडलाइन के हिसाब से, चिन का मतलब ये होता है कि यहाँ तक अगर हमने बाल काट दिया हेयर कट कर दिया तो ये ईयर के पीछे चला जाएगा,
कई लोगों को होता है कि भाई मुझे घर में प्रॉब्लम होती है, बाल पीछे कल चला जाना चाहिए, तो आप चिन के हमेशा, क्लाइंट कहते हैं चिन तक रखना है, तो हमेशा आप एक इंच नीचे करके चले, क्योंकि बाल कटने के बाद क्या करता है, जंप करता है, ऊपर चला जाता है, तो कट के वो यहीं पहुंच जाएगा। पहले ही अगर आप चिन के बाद यहाँ कट कर दोगे तो कटने के बाद लिप्स के बाद पहुंच जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो फिर बाद में क्लाइंट क्या करेगा, आपने तो बाल ही छोटा कर दिया। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए अभी हम फ्रंट से बनाएंगे अपना गाइडलाइन, हमेशा ध्यान रखें, जैसे हमने बैक में स्टार्ट किया था ऐसे ही हमें फ्रंट पे भी कट करना है, फ्रंट का भी सेम मेथड ही काम करने का ना। बाकी बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप आगे भी अपने लिए बढ़िया तरीके से घर पे प्रैक्टिस कर पाओ। जब सेम गाइडलाइन बनाया था ना हमने बैक पे भी, जब बैक में हेयर कट किया, और फ्रंट पे भी हमें सेम ऐसे ही करना है, ठीक है, थोड़ा ऊपर करना बिल्कुल टाइट। देखो हमेशा पोजीशन क्लाइंट की एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए ये वाली, क्योंकि बाल खींचेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे सीधे लेके आना है। अभी इनसे हमने पता किया कि भाई इनको बाल ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए, मीडियम कट ही चाहिए, तो चिन से हम थोड़ा नीचे लेके जा रहे हैं। और जब भी कट करेंगे आपका गाइडलाइन एकदम फिक्स अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल एकदम टाइट करके पकड़ना है आपको। और देखो चिन से नीचे ले आए, यहाँ लाके थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो हल्का सा, और लॉक कर दो बस, एकदम से लॉक करने के बाद में अब इसको ए या वी सेक्शन में काटना है आपको। इसको ए सेक्शन भी बोल सकते हो, वी भी बोल सकते हो, करने को तो आप ऐसे भी काट सकते हो, लेकिन ऐसे कभी नहीं काटना, क्योंकि ये वाला लेंथ हमें लॉन्ग चाहिए होगा। लॉन्ग लेंथ के लिए क्या करना है, हमें हमेशा वी या ए सेक्शन काटना है, ठीक है। उसका तरीका क्या है, जो आपकी फिंगर नीचे रखी है, सीजर को आप यहाँ रखें आराम से, और लास्ट में बिल्कुल लूज में लगा दें और सीधा कट कर दें, ठीक है। कट हो गया है आपका, अब सेम इस कट को यहाँ से यहाँ मिक्स कर दें। देखो बहुत आसान तरीका है कट करने का। अभी हमारी गाइडलाइन तैयार हो गई है। अगर हम इसको स्ट्रेट काटते तो ये क्या होता, ये वाला बाल भी स्ट्रेट ही कटता, ना कि वो रेजर कटा था। तो इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करते हैं इसको। अब सारा कट इसके ऊपर ही करना है आपको। अब इसके दो तरीके हैं कट करने के, थोड़ा आगे आगे पीछे भी जाना है, थोड़ा ऊपर करना। देखो इसके दो तरीके हैं कट करने के। एक तरीका तो ये है, आप क्या करें, पूरा बाल पकड़े खींचे स्ट्रेच करें। देखो एक तरीका तो उसमें ये है, आप फिंगर यहाँ से डालेंगे सीधा कॉम को, क्या करेंगे बिल्कुल एकदम हल्का सा स्लांट करके लेके जाएंगे, तिरछा लेके जाएंगे, ठीक है। गाइडलाइन आपको यहाँ मिल गई है, आप इसको कट कर देंगे। एक तरीका इसमें ये है, आप फेस को ऐसे पकड़ेंगे इस साइड से, नीचे की तरफ डाउन करके लेके जाएंगे, इसको भी स्लांट लेके जाएंगे। आप इस तरीके से कट कर सकते हैं, दो तरीके का कट करने के हैं, या तो आप ऐसे कट कर दें या आप यहाँ से ऐसे कट कर दें, दोनों में गाइडलाइन मिलानी है आपको। लेकिन मेरे हिसाब से तरीका सबसे अच्छा ये है, ये आसान तरीका आपके लिए शुरू में रहेगा, स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए। आप क्या करें, ऐसे लेके जाएं एंगल को, और फिंगर को हमेशा क्या करना है आपको, देखो ना हमने स्ट्रेट नहीं है हमारा फिंगर क्या है कि देखो फिंगर को हमेशा से क्या करना, लॉक करना है, और आपके ऐसे इसको ये स्लांट में लेके जाना है घुमा के, और यहाँ लाके आपको क्या करना है, अगर मान लो ये लेंथ लंबी करनी है तो आप क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। लेंथ हमें लंबा मिल गया, चाहो तो आप यहाँ से भी कट कर सकते हो, इससे मिला के भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। देखो ये कट आ गया आपका एग्जैक्ट। अब सेम अभी हमारा गाइडलाइन रहता है, चाहे तो इसको दो पार्ट में ले लो, नहीं तो एक बार में कट कर दो, थोड़ा ऊपर करना। और जब इसको कट कर रहे हैं, इतना सारा बाल अगर हेयर में हाथ में एक साथ से लोगे, फिंगर से एक साथ लोगे, तो फंसेगा नहीं सही। इसमें भी क्या करो, इसमें भी पार्टीशन कर लो, सबसे आसान तरीका है। जितने छोटे पार्टीशन करके लेके जाओगे ना, इतना अच्छा इजीली आराम से हेयर कट कर लोगे। इसको भी ऐसे खींच दो प्रॉपर अच्छे से, फिर से इसको लो, फिंगर को अंदर फिक्स करो और स्ट्रेचिंग करो, बहुत अच्छे से खींचो। स्ट्रेचिंग करने के बाद में यहाँ लाके कट कर दो एक ही बार में, ज़्यादा सोच लेगा नहीं, लेकिन हमारे क्लाइंट के आगे घूम जाए तो कोई बात नहीं, घूमने दो। सेम ये साइड भी ये मेथड रहेगा, ठीक है, क्योंकि गाइडलाइन हमारा एक बार बन गया ना, गाइडलाइन का बनना बहुत जरूरी है, उसी के हिसाब से कट करते जाओ। देखो सेम टेक्निक इसमें भी आपको ये मिलेगी देखने को ना, बस इसके भी दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना पहले से, आप आगे से भी कर सकते हो, और ये भी तरीका है, आप बिल्कुल इस साइड भी आके बाल कट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको साइड जाना पड़ेगा, इस साइड खड़ो के भी काट काट दोनों साइड से, एक जैसे हो जाएगा हमसे।
देखो इसका तरीका भी यही है, आप यहाँ पे आओ, सीधा स्ट्रेच करो, वी शेप वाला आपको गाइडलाइन दिख रहा है अंदर, ये वाला अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लाके कट कर दो, हमेशा ये लेंथ लॉन्ग ही रखना है ऊपर वाले के साथ। ये तो थोड़ा बड़े ध्यान से आपको मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, इसलिए टाइम लग रहा है, इतना टाइम लगता है, 20-30 मिनट्स के अंदर हेयर कट कंप्लीट हो जाता है। आप थोड़ा सीधा करना मेरे, इस चीज़ का भी ख्याल रखना आपको ना हमेशा। देखो ये स्ट्रेचिंग किया बहुत अच्छे से, टैंगल फ्री होना बहुत जरूरी है बाल ना आपका। देखो जितना अच्छा टैंगल फ्री करोगे ना इतना बढ़िया आपका हेयर कट होगा। ये पकड़ बहुत जरूरी है, जब तक ये लॉक करके ले लिया जाओगे ना इसको खींचोगे नहीं, स्ट्रेचिंग जब तक नहीं करोगे बाल की, देखो आपको मजा ही नहीं आएगा, आपका कट ही नहीं अच्छा होगा। देख रहे हो कितनी पकड़ अच्छी है, ये किसका कमाल है, लॉक थम से लॉक करना है आपको, फिंगर से भी लॉक करना है, और बस ये देखो टाइट हो गया एक बार, और यहाँ लागे आसान है बिल्कुल, कट कर दिया, छोटा बड़ा दिख रहा है कट कर दिया, मिक्स कर दिया, ये हमारा कट हो गया कंप्लीट। अब इसमें एक चीज़ और है, सबसे मेन चीज़ क्या है, अब हमारा हेयर कट तो हो गया है, रेजर कट तो हमने डाल दिया, अब फ्रंट पे बाउंस कैसे लेके आएंगे भाई, बाउंस भी तो चाहिए होगा ना फ्रंट पे, जो हमारा स्लाइस कट दिखता है साइड से बाल जो निकलता है वो बाउंस कैसे देंगे, वो सबसे मेन है। ये लोग क्या करते हैं, कई लोग बिगनर्स गलती करते हैं, इनको आता नहीं है, सिखाने वाले तो वैसे बहुत सारे हैं, देखो सब अपने तरीके से अच्छा सिखाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तरीके से आपको बताऊँ मेरा करने का जो तरीका टेक्निक है। इसको सीधा हम क्या करेंगे, 85 डिग्री पे सारा बाल ले लेंगे एक साथ उठा के ना यहाँ से, और बस इसको बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेचिंग करना है आपको, बिल्कुल टॉप पे ले जाना है, जितना भी एक्स्ट्रा बाल है कट कर देना है गाइडलाइन के हिसाब से। कट हो गया, एक बार और एक सेक्शन और लेंगे, ठीक है, और फिर से स्ट्रेचिंग करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से स्ट्रेच किया, ठीक है, गाइडलाइन वो भी पहले वहाँ से मिला था अभी यहाँ से मिला है, और इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सेम यही टेक्निक हमें इधर भी यूज़ करनी है, गाइडलाइन मिल गया हमें कट वाला, अब इसको यहाँ से उठाएंगे पूरा, इससे क्या होगा बाउंस इंक्रीज होगा हेयर में क्लाइंट के ना, अच्छा बाउंस मिलेगा फ्रंट पे, ठीक है, दोनों तरफ से गाइडलाइन मिल गया, हल्का सा यहाँ से मिल गया और इस साइड से दिख रहा है पूरा, यहाँ से कट कर दिया हमने इसको। अब लास्ट में क्या करना है, बस ये हमारा कट बिल्कुल फाइनल हो गया है, अब इसको टॉप पे लेना है आपको, जो गाइडलाइन हमारी यही थी ना इसमें मिक्सिंग करनी है, ये चेक करना है, सही है तो मत काटना, ठीक नहीं है तो कट करना पड़ेगा आपको, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर से पूरा बाल उठाएंगे, और हमेशा देखो आप मुझे काटते हुए देख रहे हो बाल कैसे काट रहा हूँ, आपका पूरा पैशन पूरा मन होना चाहिए कट करने में ना, आपको लगना चाहिए देखो करने को तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ बाल, लेकिन क्या है मेरा पूरा पैशन है, मैं पूरे ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, बाल को देखना है ऐसे पकड़ के इसको बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेचिंग करना है, पूरा ध्यान आपका फोकस काम की तरफ होना चाहिए। गाइडलाइन मिल गया और कट कर दिया, ये हमारा कट कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे आपको थोड़ा दिखा देते हैं हल्का सा, आप पीछे रखोगे, अब जो जितना हमने मेहनत किया है लेयर डाला है थोड़ा सा इसमें आपको बिना ड्रायर के शो कर जाएगा, ड्रायर से तो आप आउट कर्स भी कर दो इन भी कर दो सब चीज दिखेगी। अब इसमें क्या करना है आपको, फिंगर कॉमिंग करनी है, ठीक है, अगर इनका बाल ये अभी स्ट्रेट बाल है, स्ट्रेट बाल में हमने लेयर दिखा दिया है बड़ी बात है, स्ट्रेट बाल में लेयर दिखना बड़ी बड़ी बात होती है हेयर कट में, अगर ये कर्ल्स होता तो अभी कट ऐसे निकल गया जाता है पूरा, देखो दिख रही है क्लियर जो हमने कट किया शो कर रहा है अभी अच्छे से। और लेंथ हमारा लॉन्ग ही है, सबसे मेन चीज लेंथ हमारा लॉन्ग ही है, देखो मान लो उसमें बनाना क्लिप भी अगर लगाते ना यहाँ से उठा के यहाँ से लगाया ना, ये हमारा थोड़ा कट शो कर गया, नीचे भी हल्के से कट दिया गया था ना। और फ्रंट की बात अगर करें देखो बिना फ्रंट पे क्या करना है, हमें सीधा बैठना ऊपर कर लो बस, देखो अगर फ्रंट पे भी थोड़ा सा आपको बिना ड्रायर के हेयर कट दिखाना है, क्योंकि बिना ड्रायर के ये लुक आने वाला है क्लाइंट का ना घर जाके। इसमें दो तरीके हैं, एक तो साइड पार्टीशन आपको देखना है, ये मालूम को अगर हमें साइड से पार्टीशन करना है दो पार्ट में डिवाइड कर दो, देखो थोड़ा सा लेयर दिखना स्टार्ट हो गया, पहले भी कुछ सिंपल बाल था अभी हल्का सा लेयर हमें दिखना लगा था।